राधे राधे मित्रों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जनक नंदिनी एवं प्रभु श्री राम की प्राण प्रिया सर्व मंगल दायिनी पतिव्रताओं में शिरोमणि माँ सीता का प्रकाट्य हुआ था। दोस्तों, इस दिन जानकी नवमी या सीता नवमी के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है और इस साल यानी साल 2019 में ये शुभ दिन मनाया जाएगा 13 मई को। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस पावन पर्व पर जो भी भगवान श्री राम के साथ माँ जानकी का व्रत पूजन करता है उसे पृथ्वी दान का फल एवं समस्त तीर्थ भ्रमण का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। हर प्रकार के रोग दोष तापों का हरण करता है ये व्रत। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता जी की वंदना करते हुए उन्हें उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, समस्त जगत का कल्याण करने वाली राम वल्लभा भी कहा है। अनेक धर्म ग्रंथ उन्हें जगन माता, एकमात्र सत्य, योग माया का साक्षात स्वरूप और समस्त शक्तियों का स्रोत मानते हैं। सीता जी क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति तीनों रूप में प्रकट होती हैं और माँ सीता भूमि का रूप है। भूमि से उत्पन्न होने के कारण इन्हें भूमात्मजा भी कहा जाता है। सूर्य, अग्नि और चंद्रमा का प्रकाश भी सीता जी का ही स्वरूप माना गया है। दोस्तों, चंद्रमा की किरणें बहुत सारी औषधियों को रोग दूर करने का गुण देती हैं। यही चंद्रमा की किरणें अमृत दायिनी सीता का प्राणदायी और आरोग्य वर्धक प्रसाद है। माँ सीता का प्रसाद स्वरूप माना जाता है ये। माँ सीता जी ने ही हनुमान जी को उनकी सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर के अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों का स्वामी भी बनाया है। दोस्तों, माँ सीता की उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक बहुत ही रोचक सी कथा वाल्मीकि रामायण में मिलती है। इस कथा के अनुसार एक बार लंका के राजा रावण हिमालय पर भ्रमण करने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी तपस्विनी सी, बड़ी सुंदर सी कन्या को देखा। उस कन्या का नाम था वेदवती। कन्या को देख करके रावण के मन में काम जनित मोह जागा और इसी काम जनित मोह के वशीभूत होकर के वे कन्या के निकट गए और कन्या से उसके अभी तक अविवाहित होने का कारण पूछा। वेदवती ने रावण को बताया कि मेरे पिता मेरा विवाह तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु से करना चाहते थे, लेकिन उनके इस अभिप्राय को जान करके दैत्यराज शंभु ने मेरे पिता का वध कर दिया। पति के वियोग में माता भी चिता की अग्नि में प्रवेश कर गईं। पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मैंने तपस्या का मार्ग अपनाया है। रावण ने वेदवती को पहले तो अपनी बातों में लेना चाहा, परंतु उसके ना मानने पर उसने वेदवती के केश पकड़ डाले। क्रोधित होकर के वेदवती ने तुरंत ही अपने बालों को काट दिया और रावण को ये कहा कि हे नीच, इस वन में तूने मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तेरे अंत के लिए फिर से उत्पन्न होंगी। यही वेदवती पहले सतयुग में प्रकट हुई, फिर त्रेता युग में आने पर उस रावण का वध करने के लिए मिथिलावर्ती राजा जनक के कुल में सीता माता के रूप में अवतरित हुई। दोस्तों, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन पुष्य नक्षत्र में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि को जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्रकाट्य हुआ। जोती हुई भूमि को और हल्की नोक को भी सीता कहा जाता है, इसीलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। दोस्तों, सीता नवमी के दिन या जानकी नवमी के दिन व्रत करके महिलाएं 16 प्रकार के महान दान किए जाने का फल प्राप्त करती हैं। दोस्तों, इस दिन का जो लोग व्रत रखते हैं, इस दिन अनाज का सेवन नहीं करते, उस दिन पृथ्वी गोदान, स्वर्ण दान, कन्या दान और सभी तीर्थों पर स्नान करने तथा उनके दर्शन करने के बराबर फल की प्राप्ति इस एक व्रत से हो जाती है। सौभाग्यशाली महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए ये व्रत करती हैं। कुछ लोग पुत्र प्राप्ति की कामना से भी ये व्रत करते हैं। इस दिन जितना दान कर सके उतना अच्छा होता है और कई जगह पर करवा चौथ के व्रत की तरह सुहाग की सामग्रियों को दक्षिणा के साथ दान में दिया जाता है। जो लोग किसी कारण से व्रत को नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी इस दिन जानकी स्रोत, श्री रामचरित मानस और श्री सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। बहुत ही पुण्यदायी होते हैं ये पाठ। तो चलिए अब देखते हैं सीता नवमी या जानकी नवमी की कथा। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेदवादी श्रेष्ठ धर्माधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम था देवदत्त। उन ब्राह्मण की एक बड़ी सुंदर
रूप गर्विता पत्नी थी जिसका नाम था शोभना। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालिनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्यभिचार कर्म में रहने के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल तो उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंची और संयोग वश उसी दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो सभी पापों का नाश करने में समर्थ है। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन सामग्री मुझे प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उनमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद कर दो, कुछ तो भोजन दे दो। इतने में ही एक भक्त ने उससे कहा, देवी आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा, कल पारण करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। लेकिन वो नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में ही उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर के स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह काम रूप देश के महाराजा जयसिंह की महारानी कामकला के नाम से विख्यात हुई। उसने अपने राज्य में अनेक देवालय बनाए जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्यों की प्राप्ति होती है। श्री जानकी नवमी पर श्री जानकी का पूजन व्रत उत्सव कीर्तन करने पर उन पर परम दयामयी माता सीता की कृपा बनती है और उनके जीवन के सभी रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।